नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। रेल मंत्री की बड़ी घोषणा, दिल्ली से एमपी के खजुराहो के बीच जल्द चलेगी वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी के कार्यकाल में तेजी से घटी भारत की गरीबी, विश्व बैंक की रिपोर्ट ने उजागर की देश की प्रगति की तस्वीर। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में फिर बढ़ने लगा पारा, लू के थपेड़े पड़े लोगों पे, बारिश की संभावना भी। कानून की नजर में लाउडस्पीकर का विरोध, सुप्रीम कोर्ट कर चुका है साफ, जबरन ऊंची आवाज मौलिक अधिकार का उल्लंघन। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर बढ़ेगी चौकसी, बीएसएफ के इस साल भर्ती हुए 9,500 जवान। अमेठी में देर रात भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। लखीमपुर में विधायक लिखी बेकाबू स्कॉर्पियो ने दो सगे भाइयों को रौंदा, दोनों की दर्दनाक मौत, चालक हुआ गिरफ्तार। आजम को ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का न्योता, पत्र लिखकर कहा अखिलेश नहीं मुसलमानों के हितैषी, हमारे साथ आए। शिवपाल यादव ने की योगी सरकार के कार्यों की तारीफ, भाजपा में शामिल होने के सवाल पर भी दिया जवाब। स्वरोजगार पर भी योगी सरकार का फोकस, 100 दिन में 21,000 करोड़ रुपए ऋण वितरण का लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र का दावा, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हर पांचवा इंसान हो सकता है गरीबी और भुखमरी का शिकार। यूक्रेन में रूस के एक और जनरल की मौत, अब तक 8 जनरल और 34 कर्नल गंवा चुके हैं जान। चीन में कोरोना से कोहराम, शंघाई में कोविड की नई लहर में पहली बार 3 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का पीएम मोदी को जवाबी पत्र, क्षेत्र में शांति सुरक्षा और कश्मीर पर कही बड़ी बात। खरगोन हिंसा में पहली मौत, लापता सद्दाम का शव इंदौर के हॉस्पिटल में मिला। फिर हारी चेन्नई सुपर किंग्स, डेविड मिलर और राशिद खान ने गुजरात को जिताई हार ही हुई बाजी। पांच मुकाबलों के बाद चला ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला, गुजरात के खिलाफ जड़ा 50। चेन्नई के खिलाफ राशिद खान का जबरदस्त छक्का देखकर हर कोई हैरान, वीडियो हो रहा वायरल। चेन्नई की खराब फॉर्म जारी, गुजरात के खिलाफ हार के बाद बोले कप्तान रविंद्र जडेजा। पंजाब किंग्स के जितेश शर्मा ने पहाड़ पर ट्रेनिंग करने वाले से की अपनी तुलना, संघर्ष भरा रहा अब तक का सफर। दीपिका कैटरीना ने रणबीर आलिया को भेजे लाखों के तोहफे, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए भेजी कीमती चीज। बाबा सिद्दीकी की पार्टी में जुटे सितारे, शाहरुख खान सलमान ने लूटी महफिल। ललित पवार ने साइलेंट फिल्म से शुरू किया था करियर, फिल्म फिर रामायण की मंथरा से जीता लोगों का दिल। बिग बॉस विनर प्रिंस नरूला ने की लॉकअप में एंट्री, एक इल्जाम के चलते बने कंगना रनौत के कैदी।
मृणाल ठाकुर ने ऑडिशन के दिनों को किया याद, कहा मैं बेशर्मी से जाकर ऑडिशन में खड़ी होती थी और तब तक वापस नहीं आती थी जब तक मेरा टेक नहीं लिया जाता था। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।